अब हम बिहेवियर देखते हैं एडिशन का, कि बिहेवियर क्या होता है, किस तरह बिहेव करती है एडिशन। अभी मैं जो नंबर ले रहा हूँ वो पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, कोई नेगेटिव नंबर मैं नहीं ले रहा, क्योंकि नंबर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जीरो होता है। जी सर, अभी मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ और पॉजिटिव नंबर में भी हम प्रॉपर इंटीजर ले रहे हैं, जो इंटीजर हम पहले सेट पढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी जो मैं यहाँ पर इंटीजर वर्ड इस्तेमाल किया है मैंने, तो उसमें आपने याद रखना है कि मैं सेट से नंबर नहीं ले रहा, मैं अभी मैं सेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। जब मैं सेट को इन्वॉल्व करूंगा तब अलग डिस्कशन है, वो सेपरेट डिस्कशन है, फिर मैं एक्चुअल में अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। अभी मैं सेट इन्वॉल्व नहीं कर रहा अपनी डिस्कशन में। जी सर। ओके, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिये, जब भी दो नंबर्स की एडिशन होती है, अब बिहेवियर देख रहे हैं हम कि दो नंबर की एडिशन बिहेव किस तरह करती है। 3 + 2 5 आ जाएगा, जी सर। 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। अगर एक नंबर में फिक्स कर दूं और दूसरा नंबर में बढ़ाना शुरू कर दूं, तो एडिशन में जो आंसर है वो भी टॉप टू बॉटम बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पहले वाला नंबर बदली करूं और दूसरे वाला नंबर फिक्स कर दूं, तो भी आंसर टॉप टू बॉटम, देखें यहाँ पहले वाला नंबर अब चेंज हो रहा है और दूसरे वाला नंबर फिक्स है, तब भी आंसर बढ़ेगा। इसी तरह से इसका रिवर्स ले लें कि अगर एक नंबर फिक्स है पहले वाला और दूसरे वाला नंबर नीचे से ऊपर जाते हुए कम हो रहा है, तो आपका आंसर भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं 7 6 5, ये आंसर कम हो रहा है। यस। तो एक तो ये चीज एडिशन का बिहेवियर है। कब बिहेवियर है ये एडिशन का? जब आपके दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। अच्छा, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे अगर आपके, तो एक और चीज में इससे नतीजा अखज कर सकता हूँ कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब भी आपके दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो आंसर भी आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो नंबर क्या होगा मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे मैं कोई सभी नंबर बढ़ाऊं चाहे कोई सभी नंबर कम करूं। अब ये केस तो हमने देख लिया कि अगर एक नंबर फिक्स कर दें और दूसरा नंबर बढ़ाएं तो आंसर बढ़ेगा, एक नंबर फिक्स कर दें दूसरा नंबर कम करें तो आंसर कम होगा। यहाँ हम देख चुके हैं इन केसेस में, अगर दोनों नंबर बढ़ाएं तो आंसर मजीद तेजी से बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे 3 + 2 बराबर है 5 के, अब मैं दोनों नंबर बढ़ाता हूँ, 4 + 3 बराबर आ जाएगा 7 के, 5 + 4 बराबर आ जाएगा 9 के। अब आप ये देखें कि अगर दोनों नंबर्स बढ़ेंगे तो आंसर भी आपका, देखें यहाँ 3 और यहाँ 2 है, इसी तरह से ये 3 से 4 हो गया और ऊपर वाला 2 से 3 हो गया। अगर दोनों नंबर बढ़ेंगे तो आंसर भी बढ़ेगा तब भी, लेकिन पिछले वाले के मुकाबले में आप देखें, जहां एक नंबर बढ़ रहा था उसके मुकाबले में आप देखें तो आंसर रैपिड इंक्रीज है। आंसर आपने याद रखना है, मैं राइट हैंड साइड को आंसर कह रहा हूं। अब आप ये देखें कि यहाँ पहले स्टेप में 5 था, यहाँ भी पहले स्टेप में 5 है, अगर सेम नंबर रखे हमने, और अगर एक एक स्टेप में नंबर के बढ़ा रहा हूं, तो यहाँ 6 है और ये 7 पे पहुंच गया, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, रैपिड इंक्रीज है। ये थर्ड स्टेप में 7 पे पहुंचा है और ये थर्ड स्टेप में 9 पे पहुंच गया। तो अगर आप दोनों नंबर बढ़ाएंगे तो आंसर मजीद तेजी से बढ़ेगा। बट आपने ये देखना है कि जो नंबर साथ में बढ़ रहा है वो खुद कौन सा नंबर है। ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा नंबर आप बढ़ा रहे हैं पिछले के मुकाबले में। मैं यहाँ नंबर जो बढ़ा रहा हूँ एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ दोनों साइड पे, ये भी बड़ा ध्यान में रखना है आपने। ये बताने का मकसद ये कि आपको बिहेवियर समझ आए कि एडिशन का बिहेवियर क्या है, असल समझाना ये मकसद है, ताकि एडिशन को आप प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ सकें कि जब भी एडिशन आएगी तो होगा क्या।